जम्मू कश्मीर के बारामूला में खिरी इलाके में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला। नाके पर हुई फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत और नेपाल में जारी तनाव के बीच काठमांडू में राजनयिक स्तर की वार्ता। बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय। भारत नेपाल विवाद से नहीं कोई लेना देना। इससे पहले 15 अगस्त को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया था फोन। विवादित नक्शे पर भारत का कड़ा रोक। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,000 पार। 26 लाख से ज्यादा संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 941 लोगों की मौत। देश में कोरोना के करीब 7 लाख एक्टिव केस। वहीं अच्छी खबर ये है कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। अब तक 3 करोड़ से अधिक टेस्टिंग। रिकवरी रेट भी सुधरा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक समरेश दास का निधन। कोरोना से थे संक्रमित। पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। टीएमसी ने उनके निधन पर जताया शोक। सोमवार सुबह देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर लगी आग। 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। जांच जारी। किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में आज से 5 दिवसीय मासिक पूजा शुरू। कोरोना के कारण भक्तों के प्रवेश पर रोक। मलयालम महीने चिंगम में 5 दिनों से चलती है ये मासिक पूजा। पूजा के बाद 21 अगस्त की शाम को बंद हो जाएंगे मंदिर। देशभर में भारी बारिश से बुरा हाल। बारिश के बाद बाढ़ ने मचाया तांडव। 11 राज्यों में अब तक 850 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी। सुशांत केस में रिया के सीए से आज पूछताछ। लेन देन, कमाई और खर्चों का होगा हिसाब किताब। ईडी अब तक कई लोगों से कर चुकी है पूछताछ। केस की जांच पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी। सुशांत के ग्लोबल प्रेयर में शामिल हुए 1 मिलियन से ज्यादा लोग। अंकिता लोखंडे बोली, प्रार्थना कुछ भी बदल सकती है। श्वेता ने प्रेयर मीट में शामिल हुए लोगों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सोमालिया की राजधानी मेगादिशु में एक होटल में आतंकी हमला। हमले में 7 लोगों की मौत, कई घायल। जानकारी के मुताबिक अल शबाब ग्रुप से जुड़े हैं हमला करने वाले। आतंकी संगठन अलकायदा का एक पार्ट है अल शबाब ग्रुप। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।